विवाहिता 12 दिन से लापता, हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के जिगना थाना अंतर्गत 1 अक्टूबर 2021 को विवाहिता के परिजनों ने 2 लाख रुपए और बुलेट दहेज में ना देने पर बेटी को मारने का आरोप लगाते हुए थाना जिगना पर जमकर मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी की नारे लगाए गए। थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी आशु सिंह 26 वर्ष, पत्नी संतोष सिंह के 12 दिन से गायब होने पर मायके पक्ष के लोगों ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए ससुराल वालों ने हत्या कर गायब कर दिया है। 12 दिन बीत जाने के बावजूद बरामद नहीं किया गया और ना ही मुकदमे में वांछितों की गिरफ्तारी की गई। चंदौली जनपद के बबुरी थाना अंतर्गत हटिया भगतपुरा निवासी अशोक सिंह की पुत्री आशु सिंह का विवाह 2019 में जिगना थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी संतोष सिंह के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी के 1 साल तक सब ठीक ठाक रहा, उसके बाद ससुराल वालों ने दहेज के लिए 2 लाख रुपए नगद व 1 बुलेट की मांग पर अड़े रहे। मांग पूरी ना होने पर बेटी आशु सिंह को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे और आए दिन उसके साथ मारपीट करने लगे और आशु को पागल बताने लगे, जबकि वह एमए की पढ़ाई की थी। 19 सितंबर को किसी ने आशु सिंह के परिजनों को चंदौली को फोन कर बताया कि आशु सिंह को मारपीट कर गायब कर दिया है। परिजनों को गौरा गांव आशु के ससुराल पहुंचने पर ना आशु सिंह मिली और ना ही ससुराल पक्ष के परिजन, जबकि थाना प्रभारी जिगना ने चंदौली फोन कर बताया कि गंगा में एक शव मिला जिसकी पहचान आकर कर लीजिए, देखने से रूप रंग आशु सिंह जैसा लग रहा है। जब पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर देखा तो अन्य महिला का शव रहा। आशु की मां लक्ष्मी बाई सिंह ने तहरीर पर पुलिस ने 25 सितंबर को ही दहेज की मां हत्या को लेकर संबंधित धाराओं में पति संतोष सिंह, ससुर सास उषा देवी सिंह, देवर सत्यम सिंह पर मुकदमा दर्ज कर जल्द गिरफ्तार व आशु सिंह को बरामद करने की बात कही थी। उसके बावजूद सप्ताह भर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी व आशु सिंह की बरामदगी करने में असफल रही। आक्रोशित परिजनों ने सैकड़ों सहयोगियों संग जिगना थाना पहुंचकर दोपहर 12 बजे से ही थाना गेट पर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। उग्र दर्जनों महिलाओं ने लालगंज थाना प्रभारी हेमंत कुमार सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। हेमंत कुमार सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद आए लोगों ने प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग दोनों तरफ का अवरुद्ध कर दिया, जिससे छोटे बड़े वाहनों की दोनों तरफ कतार लग गई। लोगों की मिन्नत पर प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर बाद एक तरफ का मार्ग खोल दिया। प्रशासन की निष्क्रियता तब देखी गई। 5 घंटे प्रदर्शन व नारेबाजी के बाद जनपद का कोई उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाया। उधर प्रदर्शनकारी विवाहिता की बरामदगी व आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे। क्षेत्राधिकारी लालगंज उमा शंकर सिंह ने बताया कि 25 सितंबर को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं विवाहिता की मां लक्ष्मी बाई सिंह का आरोप है कि ससुरालियों ने दहेज की मांग को लेकर हमारी बेटी आशु सिंह की हत्या करी, कहीं शव छिपा दिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी व कार्रवाई में लापरवाही बरत रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट। अभी आज धरना प्रदर्शन हुआ और हत्या के लेकर ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए, तो आपको जानकारी है इस प्रकरण में, आप क्या बोलेंगे सर? जैसा कि अभी लड़की की माँ ने बताया सर कि हमें लगता है कि हमारी बेटी जिंदा नहीं है, उस विषय में कुछ जानकारी चाहिए। विषय में मुकदमा लिखा है, चार टीमें इस संबंध में बना दी गई हैं, एम्बुलेंस और SOG, दो टीम थाने की है, एक लालगंज की। कब तक उम्मीद रखा जाए सर कि मिल जाएंगी उनकी बेटी? हम लोग प्रयासरत हैं, जल्दी से जल्दी देंगे परिणाम। मुकदमा कब पंजीकृत किया गया था सर? 87/21-25 तारीख 25 तारीख को। अभी तक कोई गिरफ्तारी या कोई सुराग नहीं मिल पाया उस लड़की का? अभी सुराग है। जी जी जी, लगे हैं हम लोग। जी, आप लगे हैं, प्रयासरत हैं सर? परिजनों का आरोप है कि अब उनकी बेटी नहीं रही,
क्या लगता है कि और जिंदा है या हत्या कर दी गई? अब तो कुछ निकलेगा परिणाम, तभी कुछ बता सकते हैं, विवेचना के बाद ही कुछ पता चलेगा। तो इसका रिजल्ट कितना दिन में आ सकता है, कुछ अनुभव बता सकते हैं? प्रयासरत है हम लोग, जल्दी से जल्दी इसका देखें।